अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ बतूल। वेलकम बैक इन बतूस किचन। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज बतूस किचन में बकरीद स्पेशल में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी रेडी होती है, बहुत ही यम्मी। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे कोई भी साफ सुथरा कपड़ा। मैंने यहाँ पे मलमल का कपड़ा लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सौंफ, फेनल सीड्स 3 टेबल स्पून, साबुत धनिया होल कोरिएंडर्स में ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून, जीरा क्यूमिन इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, लौंग के क्लोव्स इसमें शामिल कर रही हूँ 6 से 8 अदद, काली मिर्ची ब्लैक पेपर में ऐड करेंगे 16 to 18, बड़ी इलायची ब्लैक कार्डमम ऐड करेंगे 3 अदद, छोटी इलायची ग्रीन कार्डमम ऐड करेंगे 3 से 4 अदद, दालचीनी सिनेमम स्टिक्स में ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज की। अब इसको बांध के और इस पे नॉट लगा देंगे। ये साइड पे रखते हैं। अब एक पैन लेंगे और पैन में डाल रही हूँ गोश्त, बीफ इसमें ऐड कर रही हूँ 1 kg, पानी इसमें ऐड करेंगे 6 कप्स, प्याज इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 कट, एक मीडियम साइज की प्याज लेके उसको मैंने 1/2 टुकड़ों में कट करके ऐड कर दिया। अदरक जिंजर इसमें ऐड करेंगे 2 इंच का, साबुत लहसुन गार्लिक इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े साइज का, नमक इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं। तेजपात बे लीफ्स इसमें ऐड करेंगे 2 अदद। अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने पोटली प्रिपेयर की थी वो ऐड करेंगे और इसे कवर करेंगे और कुक करेंगे 50 to 60 मिनट्स के लिए, जब तक आपका जो गोश्त जो है वो गल ना जाए। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे और जी 60 मिनट्स हो गए और गोश्त जो है हमारा कम्प्लीटली गल गया। स्टॉक को अलग कर लेंगे और मीट को अलग कर लेंगे। देखिए जी मैंने दोनों चीज़ों को अलग अलग कर लिया, तकरीबन 4 कप जो है हमारा स्टॉक बचा है। अब एक और पैन लेंगे और इसमें डाल रही हूँ मैं ऑयल 1 कप, साथ में इसमें ऐड करेंगे प्याज, अनियन रफली कट की हुई एक मीडियम साइज की प्याज ऐड करेंगे और इसे फ्राई करेंगे हम गोल्डन ब्राउन होने तक। और देखें जी प्याज जो है वो फ्राई हो गई है और थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए निकाल ली। अब इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चे ब्लैक पेपर 8 से 10 अदद, छोटी इलायची ग्रीन कार्डमम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची ब्लैक कार्डमम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद, लौंग क्लोव्स इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 अदद, तेजपात बेलीव्स इसमें ऐड करेंगे 2 अदद, दालचीनी सिनेमम स्टिक्स इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज की, जीरा क्यूमिन इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तमाम स्पाइसेस को आपने मिक्स करना है। ये मिक्स हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। अच्छी तरीके से मसाले को हम फ्राई करेंगे कुछ 2 मिनट के लिए। ये फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे जो मीट हमने बॉईल किया था सारा ऐड कर देंगे। 1 किलो मैंने बीफ लिया है और इसे हम कुक करेंगे कुछ 2 मिनट के लिए, मसाले के साथ जो है गोश्त को भून लेंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे दही 3 से 4 टेबल स्पून और इसे मिक्स करेंगे और कुक करेंगे फिर से 2 मिनट के लिए। मसालों के साथ दही के साथ आपने गोश्त को जो है 2 मिनट तक भून लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे यखनी जो हमने प्रिपेयर की थी बीफ स्टॉक, 4 कप्स मेरे पास जो है यखनी बची थी वो ऐड करेंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे बनस्पति चावल, बनस्पति राइस मैंने यहाँ पे लिए 1/2 kg और उसको सोक कर लिया 30 मिनट्स के लिए, वो ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप पानी एडिशनल और चॉप हरी मिर्चें, चॉप ग्रीन चिलीज इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 अदद, नमक सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और 2 टेस्ट और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। अब इसे कवर करेंगे और कुक करेंगे कुछ 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो चलिए जी मिलते हैं 30 मिनट्स बाद। और जी 30 मिनट्स हो गए, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, मज़ेदार सा जो है यखनी पुलाव जो है वो रेडी है ऑलमोस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे जर्दे का रंग, फूड कलर इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, केवड़ा वाटर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, तली हुई प्याज फ्राइड एंड में इसमें ऐड करेंगे हस्ब जरूरत, इसे कवर करेंगे और सिमर कुक करेंगे कुछ 2 मिनट के लिए। और ये देखिए जी बहुत ही मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव जो है रेडी हो गया है, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही यम्मी सा रेडी हुआ है। अब इसे डिश आउट करते हैं, बहुत ही मज़े का लग रहा है।
गार्निश कर रहे हैं इसे फ्राइड अनियन के साथ और बहुत ही मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव रेडी हुआ है। आप इसे दावत मेन्यू में ऐड कीजिए, मेहमानों के आगे सर्व कीजिए, घर वालों को खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगी। लेकिन आप लोगों को बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और बतूज किचन को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो चलिए जी, मैं जबरदस्त से बीफ यखनी पुलाव को इंजॉय करती हूँ, आप भी अपने घरों में बना के इंजॉय कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। साइनिंग आउट, लेट्स हैव फ्लेवर। रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।